हेलो दोस्तों, हम ई लर्निंग विद दुर्गेश से सुनील कुमार राव। जैसा कि हमारे छात्रों का, स्टूडेंटों का, छात्राओं का ये मांग था कि हिंदी का कुछ वीडियो उपलब्ध कराया जाए जिससे हमें हिंदी पढ़ने में सरलता मिले, आसानी मिले और कुछ ट्रिक के साथ में बताया जाए जिसे कम समय में हम परीक्षा में सफल हो सकें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम अब वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा दोस्त, और वीडियो को देखने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि हम इसके लिए और कितना अच्छा बेहतर वीडियो बना सकते हैं। ठीक, तो हम आपको चालू करते हैं, शुरुआत से चालू करते हैं हिंदी से। मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी से। तो हम आपके छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं और आप भी, हम कोशिश करेंगे कि आप भी अपना नोट्स बनाते चलेंगे जिससे आपको हिंदी पढ़ने में किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी लिखा है, देखिए हिंदी के बारे में पहले तो आप समझ लीजिए कि हिंदी की वर्तनी कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो इसके लिए आप हिंदी की वर्तनी में ध्यान दीजिएगा कि हम पहले हिंदी को इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से हिंदी लिखते थे, लेकिन ये हिंदी हम गलत लिखते हैं। अब हिंदी जो है, अब हिंदी को इस तरीके से ना लिख करके अब हम हिंदी को इस तरीके से लिखेंगे। हिंदी हमारी ये गलत है, अब हम हिंदी को इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। छोटे छोटे वर्तनियों पे हम ध्यान देते रहेंगे। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंदी किस तरीके से लिखा जाएगा तो आपका हिंदी इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मैं एक बार फिर से लिख करके दिखा रहा हूँ, ये है आपका हिंदी, ये हमारी वर्तनी कैसी है, ये हमारी मानक वर्तनी है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। मानक वर्तनी क्या है, इसे स्वीकार किया गया है। कन्फर्म हुआ? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कोई दोस्त, हमने कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा बनती है कि वास्तव में ये चीज़ कैसे आया। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि हिंदी शब्द कैसे आया। हाँ, सपोज कर लीजिए कि आप कंप्यूटर पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, व्हाई नेसेसरी फॉर कंप्यूटर इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, जो कंप्यूटर हम यूज़ घरों में करते हैं, जो कंप्यूटर होटलों में किया जाता है, जो कंप्यूटर जो है विद्यालय में यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, क्या सारा कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर है या अलग अलग कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हम इस बात को ध्यान देते हैं कि हिंदी की शुरुआती दौर, हिंदी कैसे हमारा बना। तो चलते हैं हम तो देखते हैं। तो हम आपको ये एक बात बताएंगे जो हिंदी को लेकर के काफ़ी सस्पेंस रहा है कि हिंदी किस तरीके से रहा है। तो आप जानते हैं कि जो एक दिशा पे अगर हम एक ग्राफ को बना करके देखें, जो ऊपर की दिशा होती है ये हमारी दिशा कौन सी होती है, उत्तर। जी हाँ, उत्तर। और नीचे की जो दिशा होती है वो हमारी दिशा होती है दक्षिण की। और जो राइट साइड की दिशा होती है ये हमारी दिशा किस तरीके की होती है, पूरब की दिशा होती है। और आपकी लेफ्ट साइड की जो दिशा होती है ये हमारी कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। जैसे आप बोर्ड पर देखेंगे ऊपर की दिशा उत्तर है, अब यहाँ राइट साइड पूरब है, नीचे की दिशा दक्षिण है, और ये पूरब की राइट लेफ्ट साइड जो है इसकी दिशा क्या है, आपकी पश्चिम है। तो हम ध्यान देंगे कि भारत में, इस बात को आप जानिएगा, थोड़ा सा इतिहास है इसमें, कि भारत का जितने भी आक्रमणकारी आए, आक्रांता आए, भारत में जितने भी आक्रांता आए वो आक्रांता का आने का कौन सा दिशा रही, किस दिशा से वो हमारे आक्रांता आए। तो आप एक बात जानिएगा कि भारत का ईरान के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध था। भारत में ईरान के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध रहा है। और व्यापारिक संबंध रहने के साथ साथ भारत में जब ईरानी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि भारत में कोई भी आक्रांता अगर भारत में व्यापार करने के लिए आया है, आने का कोई अगर सिंह द्वार रहा आने का, तो ये ही एक द्वार रहा है जिस द्वार को कहा जाता है उत्तर और पश्चिम का किनारा, कोना। यही एक प्रवाहमान नदी थी जिस नदी का नाम क्या था, सिंधु। जिस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है सिंधु। जितने भी आक्रांता आए ये पश्चिम और उत्तर के कोने से आए, यही भी एक प्रवाहमान नदी थी प्राचीन काल से सिंधु नदी। जो सिंधु नदी थी, तो जब भी कोई, देखो आप सोच रहे होंगे पूरब से कि आक्रांता क्यों नहीं आए, तो पूरब से आक्रांता इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी थी, उन्हें आने में बहुत समस्या झेलना पड़ता। दक्षिण की तरफ देखते हैं आपको सागर है,
यहाँ से भी आने के लिए उनके कोई अवसर नहीं था, बहुत अच्छा था। साथ में आप जो उत्तर का दिशा है, यहाँ आप जानते हैं कि उत्तर की दिशा में हिमालय हमारा मौजूद है, तो उनके लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो साधन माना जाता है वो सबसे सर्वोत्तम साधन था उत्तर और पश्चिम का किनारा। जो उत्तर और पश्चिम के किनारे से जब व्यापार करने के लिए सबसे पहले आते हैं तो उनको अगर जिसके दर्शन करते हैं, जिसका दर्शन होता है, उसका दर्शन होता है सिंधु का। इसका दर्शन होता है तो सिंधु का दर्शन होता है। हम आपको एक ग्राफ बनाते हैं कि पहले नदी कौन सी थी, सिंधु। यहीं से हिंदी की जो है शुरुआत होती है। देखिए सबसे शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत हमारी होती है सिंधु से। तो ये ईरानी जब व्यापार के लिए भारत में प्रवेश किए तो उनको जो जो नदी मिलती है उस नदी का नाम होता है आपका सिंधु। किस क्या नाम है दोस्त, तो सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी को ध्यान रखिएगा, ये जो सिंधु नदी है ये सिंधु नदी था। अब ये सिंधु नदी तो जो ईरानी थे उनके भाषा उच्चारण में क्या था, दोष था। भाषा उच्चारण का दोष का मतलब होता है हम क्या कुछ थे कुछ कहना चाहते हैं और कह कुछ देते हैं ना। जैसे हम लोगों में कुछ भाषा उच्चारण दोष होता है, हम कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ हैं, भाषा उच्चारण दोष है। जैसे हम शब्द को कहते हैं जग लेटर, क्या कहते हैं, जग लेटर कहते हैं, जग लेटर कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब जग लेटर नहीं है, हमारा उच्चारण दोष है, जग लेटर नहीं है, शब्द हमारा है जनरेटर। क्या है, जनरेटर। हम लोग कहते हैं लालटेन, जो लालटेन हम, ये शुद्ध शब्द नहीं है लालटेन, ये भी भाषा उच्चारण दोष के कारण लालटेन न कह करके हम कहना चाहिए हमें लालटेन, कहना कहना चाहिए लालटेन कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, तो लालटेन कहना चाहिए। तो ये सिंधु नदी था, तो ईरानी और फारसियों के उच्चारण में दोष था। दोष क्या था कि वे सह का उच्चारण किसमें करते थे, भ में करते थे, और ध का उच्चारण किसमें करते थे, ग में करते थे। जैसा हमने बताया कि स का उच्चारण वो किस में करते थे, ध में करते थे, और ध का उच्चारण किस में करते थे, द में करते थे। हाँ बिल्कुल, तो स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण द में करते थे। इस प्रकार से यहाँ देखिएगा सिंधु नदी है, तो इन्होंने सिंधु नदी को क्या कह दिया, इसने सिंधु नदी को इन्होंने क्या कह दिया, हिंदु कह दिया। ध्यान रखिएगा सिंधु नदी को इन्होंने नाम क्या दिया, सिंधु नदी को इन्होंने नाम दिया हिंदु। देखिए सिंधु था, स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण द में करने से ही सिंधु को इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने नाम दे दिया हिंदू। और इसको हिंदू 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 काफी दिन तक पुकारा जाने लगा, हिंदू हिंदू हिंदू। फिर क्या हुआ कि आप लोगों ने बताया कि ये सिंधु है हिंदू नहीं है, आप तो ये करते क्या है, कुछ दिन बाद काफी समय के बाद इस हिंदू को ये पुकारते हैं, कहते हैं अच्छा हिंदू, चलिए अब ये बता दिया हिंदू, अब ये हमारा हिंद कह दिए। अब ये काफी दिन तक हिंद चलता रहा, काफी दिन तक हिंद चलता रहा। और बाद में इसमें होता क्या है कि फारसी भाषा का ई प्रत्यय, किसका भैया, ई प्रत्यय जो है, जो फारसी का है, फारसी का ई प्रत्यय जोड़ करके हमारा विकास किसका होता है, हिंदी का विकास होता है। किसका विकास होता है, तो हिंदी का विकास होता है। ध्यान रखिएगा पहले सिंधु था, तो सिंधु को हुआ क्या, हिंद हुआ, सिंधु का हिंद हुआ, हिंद से हिंद हुआ, और इसी हिंद में ई भाषा जो फारसी भाषा का प्रत्यय जुड़ करके हिंदी का विकास होता है। तो आप देखिए अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द के विकास का क्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो हिंदी भाषा का विकास का क्रम किस प्रकार से रहा, सिंधु हिंदू हिंद और ई प्रत्यय। और ये किसका भाषा का ई प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय हमारा फारसी भाषा का ई प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार से बनता क्या है, हमारा हिंदी बनता है, कन्फर्म हुआ बिल्कुल। आप जानते रहिएगा सिंधु हिंदू हिंद धन ई प्रत्यय बराबर हिंदी, यही हिंदी शब्द के विकास का क्रम रहा, हिंदी शब्द के विकास का क्रम रहा बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये तो क्रम रहा। अब हम थोड़ा सा अगर देखें, जैसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका, कई बार परीक्षाओं में इस बात की चर्चा हो चुकी कि वास्तव में हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखो यही विचार करो, आपको देखिए एक चीज से एक चीज से जुड़ा हुआ है, आपको ज्यादा रटना नहीं है कि आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हिंदी भाषा का ई प्रत्यय जुड़ा तो हमारा बना हिंदी। अब हम एक जैसे कह दें, जैसे बच्चा हमारे घर जन्म ले,
बच्चा हमारे घर में जन्म ले, लेकिन उसका नामकरण कोई पड़ोसी आकर के कर देता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बैठता है कि भाषा हमारी है हिंदी और वहाँ पे ई प्रत्यय फारसी का लग करके विकास किसका हो गया, हिंदी का हुआ। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी हमारा जो है फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल, तो हम कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भाषा से रिलेटेड, कौन सा किस भाषा का शब्द है, तो हम इस पर थोड़ी सी ध्यान देते हैं कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। तो हमने आपको बताया ऊपर ही, देखिए आपका हिंदी और हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये तीनों किस भाषा के शब्द हैं, तो ये तीनों जो है किस भाषा के शब्द हैं, तीनों ये फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। वहीं पे आपका वकील, वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगर हम लिख दें कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगर हम आपको लिख दें मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। आगे अगर हम आपको लिखें उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू जो है आपका किस भाषा का शब्द है, उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम आपको लिख दें रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा हमारा किस भाषा का शब्द है, हमारा जापानी भाषा का शब्द है। अगर हम लिखें चाय, चीनी, लीची, चाय, चीनी, लीची, चीकू, ये हमारे किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा जो है चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द, तो चीनी भाषा का शब्द है। आप बात जानते रहिएगा, एक प्रश्न तो आपको ऐसे ही कहीं ना कहीं से पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों किस भाषा के शब्द हैं, तो ये तीनों जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। आपका जो वकील है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, जो आपको अंग्रेजी है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो मानसून है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, जो उर्दू है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, जो रिक्शा है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है, ये चाय, चीनी, लीची, चीकू, ये हमारा चीनी भाषा का शब्द है। आगे भी मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको लिख दिया जाए कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची हमारा जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऐसे हम आपको बताएंगे, आगे भी बहुत सारी इसकी भाषाओं में चर्चा किया जाएगा कि हिंदी में कितनी भाषाएं जो है समाहित है, जब आपको शब्द परिचय बताएंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे। फिर भी मैंने आपको इस बात को चर्चा किया, कन्फर्म हुआ। मैं एक बार पुनः बताता हूँ, आपको शुरुआती वीडियो है, पहला आपका क्लास है, पहला लेक्चर है, तो हमने आपको बताया शुद्ध शुद्ध हिंदी इसके लिए लिखा जाता है। हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी का विकास हुआ आपको बताएं, ग्राफ को देखिएगा, ऊपर दिशा उत्तर, नीचे जो है आपका दक्षिण होता है, राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड आपका होता है पश्चिम। हमने बताया कि भारत में जितने भी आक्रांता आए उनका जो मुख्य द्वार रहा है वो आपका उत्तर और पश्चिम का कोना रहा। जब उत्तर और पश्चिम के किनारे से जब सबसे पहले ईरान के लोग भारत में व्यापार करने के लिए कदम रखते हैं, तो उनका सामना किससे होता है, सिंधु नदी का होता है, और उच्चारण दोष के कारण इस का उच्चारण ह में करते थे और ध का उच्चारण द में करते हैं, इसलिए इन्होंने क्या कहा, सिंधु नदी को हिंद कहा, फिर इन्होंने हिंद कहा, और इसी में ई फारसी भाषा का ई प्रत्यय जुड़ करके विकास हमारा किसका होता है, हिंदी का होता है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप जान गए कि हमारा हिंदी किस प्रकार से हुआ। आगे मैं आपको बता दूं, इस बात को भी जानते रहिएगा, अगर हम थोड़ा सा जनगणना पे ध्यान रखें, जनगणना 2011 के अनुसार हमारी हिंदी की, आप जानिएगा कि पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में हिंदी का भी एक भाषा के रूप में अपना महत्व है। हिंदी का भी 3000 भाषाओं में हिंदी का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, एक भाषा के रूप में इसे लिखा जाता है। और जानते हैं कि अगर इसके रूप या आकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इसे देखा जाए, तो हिंदी का जो है ये यहाँ पे वियोगात्मक है। कैसा है, वियोगात्मक,
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी का आकृति या रूप के आकार पे किस प्रकार सा है, तो ये हमारा कैसा है, वियोगात्मक है, या इसी वियोगात्मक हम लिख सकते हैं विश्लिष्ट भाषा कर सकते हैं। तो इस तरीके से वियोगात्मक भाषा है। हिंदी हमारी किस प्रकार की है, हमारी वियोगात्मक भाषा है, विश्लिष्ट भाषा है। कल्पना हुआ, अगर हम आपको देखें जनगणना 2011 जनगणना पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, तो आप जानिएगा कि जनगणना 2011 में जनगणना जो हुआ था, इसमें लगभग जो है कितने बोलने वालों की, भारत में हिंदी बोलने वालों की जो प्रतिशतता है, इनकी प्रतिशतता है लगभग 43.34% लोग भारत में क्या बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है, ये इनकी संख्या कितना है, तो इनकी संख्या है 43.34% लोग जो है क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल 43.34% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। कन्फर्म हुआ, हम आगे भी इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, पूरे भारत में अगर देखा जाए, जो जनगणना 2011 में देखा गया, तो लगभग क्या है, लगभग आपको 43.34% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। 43.34% लोग हिंदी बोलते हैं। इस आधार पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बोलने वालों की संख्या कितना है, 43.34, जो लगभग आधे के बराबर है। इस जनगणना के अनुसार देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है, हिंदी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो बोली जाने वाली भाषा आपका कौन सा है, तो हिंदी है। कन्फर्म हुआ। एक चीज हम थोड़ा सा ध्यान दें, इस बात को भी यहाँ पर हम आपको ध्यान दे देते हैं कि अगर हिंदी देखा जाए तो भारत के कहाँ किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कितना लोग समझ पाते हैं हिंदी को, किन किन राज्यों में हिंदी प्राचीन काल में प्रयुक्त होता है, तो इस आधार पर हम आपको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे हम एक हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र, या हम इसे कह सकते हैं हिंदी बेल्ट, या कह सकते हैं हिंदी पट्टी, जो भी कह दीजिए हिंदी पट्टी, तो हिंदी भाषी क्षेत्र कह दीजिए, हिंदी बेल्ट कह दीजिए, या हिंदी पट्टी कह दीजिए। तो आप इस बात को जानिएगा कि भारत में अगर वर्तमान की श्रेणी में देखा जाए, वर्तमान में क्या है, तो आप जान रहे हैं जम्मू कश्मीर जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए कहाँ कहाँ बोला जाता है हिंदी, तो ये भारत के हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये भारत के नौ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। कहाँ बोला जाता है, तो 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी हमारी बोली जाती है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मैं उनको लिख रहा हूँ कौन कौन से राज्य हैं ये आप पे, कि ये हमारा है उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश से अलग हम होकर के हमारा बना है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के क्या बना है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी क्या बोला जाता है, हिंदी बोली जाती है उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी। आगे चलते हैं तो ये आपका है मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य हमारा बना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमारी क्या बोली जाती है, हिंदी बोला जाता है। बिहार से अलग होकर के बना है आपका झारखंड। आगे थोड़ा सा ध्यान रखें कि हिंदी या और कहाँ बोला जाता है, तो इसके साथ साथ आपका है जो है हरियाणा में हिंदी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, राजस्थान में हिंदी बोला जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिमाचल प्रदेश। इसके साथ साथ और कहाँ बोला जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान,
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो आपका एक या दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो हमारे नौ राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये आपका है दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो स्थान आता है वो स्थान किसका है? दिल्ली का है। तो आप जान जाइएगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं आपके 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सात शायद नौ हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भारत में कहाँ कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और केंद्र शासित प्रदेश में आपको कहाँ पर बोला जाता है तो आप जानते रहिएगा ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपका दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य है वो है कौन सा, तो आपका है दिल्ली। एक चीज़ और समझिएगा, हिंदी का भारत में कहाँ कहाँ पर स्थिति इसकी रखी गई है, संविधान में इसकी क्या स्थिति है, भारतीय हिंदी की क्या स्थिति है, किस रूप में हिंदी को रखा गया है संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में। थोड़ा संविधान से संबंधित हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि संविधान में हिंदी की हमारी क्या महत्व है, हिंदी को किस रूप में कहाँ पे किसे रखा गया है। तो आप जानते हैं कि संविधान को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कुछ भाग बनाए गए हैं, अनुच्छेद बनाए गए हैं और अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। क्या है एक बार फिर से बात करते हैं, तो भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूचियां हैं। तो हिंदी का उल्लेख जो है कहां कहां पे किस प्रकार से किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है हिंदी का उल्लेख भाग 17 में और अनुसूची 8वीं अनुसूची में किया गया है। और हिंदी का उल्लेख किस में किया गया है, तो हिंदी का उल्लेख जो है आपके भाग हो गया, अनुसूची हो गया, यह है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से 351 तक है यहाँ पे। एक बार फिर से देखिएगा, तो भाग 17 इससे संबंधित है हमारी हिंदी से, अनुसूची 8वीं हिंदी संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारा किससे संबंधित है, तो हमारा हिंदी से संबंधित है, कन्फर्म हुआ। लेकिन हिंदी जो हमारी है, हिंदी को हमारे देखिएगा, हिंदी को हमारे जो है राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिंदी जो हमारी है ये हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, फिर से समझिएगा, हिंदी जो हमारी है भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया है, संपर्क भाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया है। हिंदी जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है वो राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है। किस रूप में रखा गया है, तो राजभाषा के रूप में रखा गया है। राजभाषा क्या है, तो राजभाषा वह भाषा जो देश का देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता है, इसे संवैधानिक भाषा भी कहा जाता है, इसे राजकाज की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कन्फर्म हुआ, तो देश का वह भाषा जिस जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वो हमारी कहलाती क्या है, तो हमारी कहलाती है राजभाषा। कन्फर्म हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया जनगणना 2011 में, जनगणना 2011 में लगभग 43.34% हिंदी बोलते हैं। इस आधार पे हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, बट कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। ये तो हमारे हिंदी के प्रति हमारा इतना गर्व है, हिंदी से हमारा हिंदी से इतना रिलेटेड है, जैसे गोपाल स्वामी अय्यंगर ने भी इस बात को कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी एक ऐसी भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। बिल्कुल, तो इस आधार पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। अगर आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, कन्फर्म हुआ। लेकिन जो जनगणना 2011 कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी, हो सकती है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रभाषा को अगर हम परिभाषित करें तो कहेंगे वह भाषा जो समस्त राष्ट्र के जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह भाषा जो समस्त राष्ट्र के विचार विनिमय का, जन जन के विचार विनिमय का, विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में हो, उस राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता अपना विचार विनिमय जिस भाषा में करती हो सर्वाधिक, उस भाषा को हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया 43.34% इस आधार पर हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, बट अभी तक हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कन्फर्म हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा भाग जो 17 है इसमें है कौन कौन सा, तो आप ध्यान रखिएगा भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है हिंदी का, 8वीं अनुसूची में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का उल्लेख किया गया है जो राजभाषा के रूप में। मैं आपने बना दे रहा हूँ आपको, ये राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है, राजभाषा।
कि हिंदी को हमारे किस रूप में रखा गया है, तो हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। कर्पण हुआ, चलिए आगे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस बात को भी। ये तो हो गया आपका, इस बात को देखिएगा कि हिंदी ही हमारे जो है भारत ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा बनती जा रही है। एक अभी एक नवीनतम आंकड़ा आया था भाषा को लेकर के कि जनगणना 2050 तक जो हमारी भारत की जनसंख्या है वो चीन को पछाड़ करके पहले स्थान पर हो जाएगी। तो इस आधार पे ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या भी क्या होगा, हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। बिल्कुल आगे देखिएगा, तो आगे मैं इसके आगे चर्चा करता हूँ। चलिए देखो आगे हम क्या देखते हैं, आगे का जो आपका नया टर्म है ये है हिंदी भाषा के विकास का क्रम। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा के विकास का क्रम कैसा रहा, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो हिंदी भाषा के विकास का क्रम रहा तो हिंदी भाषा के विकास के क्रम में रखेंगे। तो हिंदी में अगर भारत के हिंदी के विकास का क्रम, हिंदी किस प्रकार से आपका भाषा के रूप में समाहित हुआ, तो आप इस बात को जानिएगा कि कोई भाषा है वो भाषा डायरेक्ट उठा करके नहीं रख दी जाती है, भाषा को बनने में बहुत समय लग जाता है, कई वर्षों का समय लग जाता है किसी भाषा को परिवर्तित होने में, किसी भाषा को बनने में। आप जैसा भी इस बात को जानते रहिएगा कि भाषा हमारी क्या है, परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल भाषा हमारी कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाषा के रूप में सबसे पहले अगर माना जाता है तो किससे माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। हिंदी के संबंध सबसे पहले भाषा को अगर माना जाता है तो भाषा को कौन सा माना जाता है, संस्कृत। हमने बताया कि संस्कृत जो कोई भी भाषा हो, भाषा आप क्या है, परिवर्तनशील है। तो आप इस बात को जानेंगे कि हिंदी सॉरी संस्कृत जो है, संस्कृत परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ, कि इसके बाद भाषा कौन सी बनी आपकी, पाल। संस्कृत से आपका हुआ पाल, पाल भी आपकी टूटा किसमें हुआ, प्राकृत में। प्राकृत भी टूटा किसमें, आपका अपभ्रंश में। अपभ्रंश भी आपका किसमें टूटा, अपभ्रंश आपका टूटा अवहट्ट में। अवहट्ट भी आपका टूटा किसमें, हिंदी में। लेकिन ये हिंदी कैसी है, पुरानी हिंदी, ये पुरानी हिंदी है आपकी। और ये हिंदी भी आपका किसमें टूट गया, इसमें टूटा है आपका मानक हिंदी। तो आप हिंदी भाषा के विकास का ग्राफ अगर देख लिया जाए तो भाषा सबसे पहले कौन सी थी, तो भाषा सबसे पहले आपकी थी संस्कृत। भाषा कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत से पाल हुआ, पाल से प्रकृत, प्राकृत से आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। लेकिन ये पुरानी हिंदी है। फिर आपका मानक हिंदी, आज हिंदी किस रूप में प्रयोग की जा रही है, तो आज हिंदी मानक रूप में प्रयोग की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ में कई बार पूछा गया है, आगे पीछे प्रश्न में इधर उधर कर देता, पूछेगा कि ये कौन सा, किस प्रकार से हिंदी का सही क्रम क्या है। उस हिंदी के हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आपका है आपका हिंदी। लेकिन ये हिंदी आपकी पुरानी हिंदी है। फिर आपका आता है मानक हिंदी भाषा का विकास। तो इस ग्राफ को अगर देखें तो इस ग्राफ से हमारा कई सारे प्रश्न निकलते हैं। देखिए जो हमारी संस्कृत है, ये संस्कृत जो भाषा है ये आर्यों की भाषा थी, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का होता है श्रेष्ठ, अर्थात ये किसकी भाषा थी, श्रेष्ठ लोगों की भाषा थी, ये जनसाधारण की भाषा नहीं थी। तो जनसाधारण की भाषा कौन सा था, पाली की और प्रकृत। इस प्रकार से संस्कृत किस भाषा में परिवर्तित हुआ, टूटा, रूपांतरित हुआ, तो ये पाली में हुआ। पाल किसमें टूटा, तो प्राकृत में। प्राकृत किसमें टूटा, अपभ्रंश में। अपभ्रंश किसमें टूटा, अवहट्ट में। अवहट्ट किसमें टूटा, हिंदी में। और आज हिंदी जो है मानक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कन्फर्म हुआ। आगे हम इस चीज को भी चर्चा करते हैं, जो संस्कृत है, अगर इस संस्कृत को देखा जाए तो ये भाषा किसकी है, ये भाषा जो है ये आर्यों की भाषा है। ये संस्कृत जो है किसकी भाषा है, आर्यों की भाषा है। और आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात ये भाषा किसकी थी, श्रेष्ठ लोगों की भाषा थी। ये वैदिक काल की भाषा भी है, वैदिक काल की भाषा है। अगर पूछा जाए कि वैदिक काल की भाषा है कौन सी है, तो वैदिक काल की भाषा कौन सी है, तो वैदिक काल की भाषा भी आपकी कौन सी है, संस्कृत है। आगे मैं इस बात को बता दूं, जो पाली भाषा है, महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश
महात्मा बुद्ध अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए, तो महात्मा बुद्ध अपने सारे उपदेश जो है पाली भाषा में दिए। आप आगे भी समझिएगा, जो महावीर स्वामी हैं महावीर स्वामी भी अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा के जो जनक हैं, जनक वे इनका नाम है स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा के जनक कौन है? स्वयंभू। और स्वयंभू के एक रचना जिसका नाम क्या है? पौंचरी। इस बात आप जानते रहिएगा, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवध, अवध के बाद हिंदी, हिंदी के बाद मानक हिंदी। और इस प्रकार से आप जानते रहिएगा कि जो संस्कृत है ये आर्योपी भाषा है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये जो है भाषा है ये वैदिक कालीन यानी वेद काल की भाषा है, वैदिक काल की, वैदिक काल की भाषा है। वैदिक काल की भाषा कौन सा है? संस्कृत। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में, अगर आपको पूछे कि भारत की, यहाँ मैं मिटाता हूँ थोड़ा, उत्तर लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि देश की प्रथम भाषा कौन सी है, तो देश की प्रथम भाषा आपकी कौन सी है? पाली भाषा है। देश की प्रथम भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। लेकिन अगर आप ये पूछ दें कि हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आप जानिएगा इस बात को, हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी है भैया संस्कृत। मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दूं, आपको ये तरीका याद हुआ, जैसे आप देखो यहाँ से हिंदी है, संस्कृत है, संस्कृत बाद पाल, पाल बाद प्राकृत, प्राकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बाद अवध, अवध बाद मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, फिर मानक हिंदी। तो अगर आप इसको ग्राफ से देखा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, देखो हिंदी कहाँ से आया? संस्कृत से विकसित हुआ, संस्कृत से आया, इसलिए कहा जाता है हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। अगर ग्राफ में अगर हम इसको संस्कृत को हटा दें, अब पूछे बताओ हिंदी की आदि जननी क्या है, तब हिंदी की आदि जननी क्या हो जाएगी? पाली। अगर पाली को हटा दिया जाए हिंदी की आदि जननी क्या हो गया? प्राकृत। इस ग्राफ को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल कोई भी प्रश्न होगा निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हिंदी का ये रहा विकास का क्रम, कन्फर्म हुआ बिल्कुल। आगे जान देते रहिएगा, हिंदी जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व में, जैसे आपका मॉरिशस है, मॉरिशस जैसे देश में भी हिंदी बोली जाती है, इस बात को जानिएगा। परीक्षाओं में पूछा जा चुका कि मॉरिशस की भाषा, तो मॉरिशस जैसे देश में भी क्या बोली जाती है भैया? हिंदी बोली जाती है। आपको परीक्षाओं में पूछा गया कि किस देश में कहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो आप जानते रहिएगा मॉरिशस जैसे देश में भी हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी का जो विस्तार रहा, इस तरीके से रहा, हम आपको हिंदी के संबंध में बहुत सारी चीज़ें बताया कि हमने क्या बताया, इसे जिसको संविधान में इसकी स्थिति क्या है, तो संविधान में इसकी स्थिति जो है राजभाषा के रूप में, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है राजभाषा के रूप में। भाग 17 जो है आपका, भाग 17 किस रूप में है आपके? राजभाषा के रूप में। 8वीं अनुसूची किस रूप में है? राजभाषा के रूप में। अनुच्छेद 343 से 351 जो है ये भी किस रूप में है आपके? राजभाषा में। बिल्कुल मैं इसकी चर्चा आपको अलग से करूँगा, फिर भी आप यहाँ से जानते रहिएगा कि हमारी स्थिति क्या है, हिंदी हमारी किस रूप में है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में न होकर के हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में, कन्फर्म हुआ, इस बात को भी आप जानते रहिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ इस बात को कि हिंदी जो हमारी है, जो हमारी हिंदी, इसको संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला? आपको दिमाग में बन रहा होगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता हमें कब मिला, हिंदी को आप जानिएगा कि इसे संविधान में कब स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, तो राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो यह जो है राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा घोषित किया गया। और यही कारण है इसको भी जान जाइएगा, यही कारण है कि 14 सितंबर को
क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं आपको यहाँ तक बता दिया कि हिंदी को भारतीय संविधान में किस रूप में रखा गया, किस रूप में स्वीकार किया गया, तो यह हिंदी को राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। हिंदी को किस रूप में, इस हिंदी को आपको जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। यही कारण है हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के तरफ से मैं सुनील कुमार राव, मैं चाहता हूँ कि कितना कम समय में कितना अच्छा परफॉर्मेंस मैं कर सकूँ, और मेरे वीडियो को आप देखिएगा, और जो भी आपको लगता है फीडबैक मुझे दीजिएगा, ताकि मैं इससे भी और अच्छा वीडियो आपको, और विषयों का, हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी मैं वीडियो आपको बना सकूं, और जिससे आप हमारी वीडियो को पढ़ करके आप सफलता प्राप्त करें, सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले एपिसोड मिलते हैं मैं कल आपके अगले वाले विषय के साथ।